सरजमीं पर मैं कहना चाहता हूं, जहां चौधरी साहब ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, वही जयंत चौधरी जी आपको और आदरणीय अखिलेश यादव जी को और हमारी युवा पीढ़ी को अभी किसानों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। सोचो मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जो घोषणा करते रहे, लगातार जिन्होंने कहा कि 2022 आते आते हम देश के किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी तो अभी तक दूनी नहीं हुई है। बताओ मेरे भरतपुर के राजस्थान के किसानों, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आमदनी पूरी की है क्या दूनी? क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? बताओ मेरे भरतपुर के किसानों, क्या आपकी आमदनी दूनी हुई है? और नहीं हुई है, नहीं हुई है तो किसान दिवस के अवसर पर, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर हमें और आपको संकल्प लेना है कि जब तक हमारे देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, स्वामीनाथन जी की सिफारिशें जब तक लागू नहीं होंगी, तब तक हम किसानों के बेटे चुप बैठने वाले नहीं है। यह संकल्प हमें और आपको लेना पड़ेगा। मेरे राजस्थान के किसान भाइयों, जहां इन्होंने किसान कानून ला के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बर्बाद करने का प्रयास किया, वहीं मैं बधाई देना चाहता हूं देश के किसानों को, इनके आंदोलन के कारण, किसानों की ताकत के कारण।